काटेंगे मेरा प्राइस तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से इंडिया गेट से और आपको वाराणसी में फिर घूमेंगे। हेलो गाइस, और कैसे हो सब? बढ़िया, होप पे आप सब ठीक होंगे। हम भी चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। आप भी मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, चलना तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, जितना चलो उतना अच्छा, अपनी बीमारियां कम। मेरा भी वैसे पेट निकला हुआ है, इसलिए मेरे से मेरा भी चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, तो अब हम पैदल चल रहे हैं, ठीक है। आगे जाके बस स्टैंड में हमारा दूसरा फ्रेंड आएगा, ठीक। फिर हम मिलके बुरेमी की तरफ निकलेंगे। अभी अब पैदल रास्ता चल रहे हैं, कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, 10 से 15 मिनट। और फिर वहाँ से बस है करीबन 7 बजे की, 7:15 बजे की, तो बुरेमी के लिए वहाँ से बस निकलेगी। यहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पे रुसेल है उसका जगह का नाम है, बस स्टॉप है, तो वहाँ से बस पकड़ेंगे। हेलो गाइस, तो अभी भी पास 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे कम से कम। गाइस, तो मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने देखा ये बहुत सारे कबूतर है यहाँ पे, कम से कम 400-500 के करीब होंगे। और वो ये भी सुबह की मॉर्निंग की धूप का मजा ले रहा है, मजे ले रहे हैं। आप भी देखिए, आप कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितने प्यार से बैठे हुए हैं सारे, जैसे एक फैमिली मेंबर हो। और ये ओमान है, ये देखिए एक ये पार्क है रसेल का, बहुत बड़ा पार्क है ये, इसमें आप भी घूमने आ सकते हो, बहुत बड़ा है। पार्टनर मिल चुका है हमें गाइस, बेदुल खान, ये भी क्या कहते हैं दिल्ली से हैं। ये हमारी बस लगी हुई है, ठीक है, हमारा ही वेट कर रहे थे, अब लेट हो गए हैं, चल हाँ, जल्दी करते हैं, हमारा भी वेट कर रहे चलो, थे, चलो, चलो, पहुंच गया। हेलो गाइस, हम बस में पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी हम बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे बुरेमी में, ठीक है। फिर वहां पे आपको मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी बस रास्ते में रुकी है सुहार में यहाँ पे, ठीक है, और 10-15 मिनट यहाँ पे बस रुकेगी, और बाथरूम वाथरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, या फिर किसी को भूख लगी हो तो कुछ खाने के लिए। तो चलो देखते हैं, अभी हमें 1.5-2 घंटे हो गए हैं बस में सफ़र करते हुए, मेरे ख्याल से अभी 1 घंटा और लग जाएगा, 1 घंटा लगेगा, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। मेरा फ्रेंड भी है यहाँ पे, एक फ्रेंड यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बरेमी में, ठीक है। अभी हम अपने फ्रेंड के घर में रुके हैं, ये आप देख सकते हो बरेमी शहर, और सनसेट होने जा रहा है। ये बरेमी शहर है, यहाँ पे 3 स्टेडियम है उस साइड, आप देख सकते हो उस साइड है 3 स्टेडियम है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, और वो है पीछे लुल्लू है, उधर लुल्लू मॉल है, मॉल के अंदर लुल्लू है, और कुछ शॉप्स हैं वहाँ पे परफ्यूम्स की, ऐसा है। चलो मिलते हैं, हम मॉल में भी जा रहे हैं अभी, और वहाँ पे भी आपको मिलते हैं। फ्रेंड के रूम में पहुंच गए हैं बुरेमी में, ठीक है। तो चलो आपको भी मिलाते हैं इनसे, ठीक है, और पूछते हैं और कैसा एक्सपीरियंस है इनका हमें देख के।
हाँ जी सरदीप भाई जी, आप बताइए आप, मतलब आपको कैसा लग रहा है हम आए आपको परेशान करने के लिए? ना ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड मस्कट से आए मेरे को मिलने के लिए, और बहुत ही मतलब की अच्छा लगा। आज मैं इनको ब्रेमी घुमाऊंगा, बॉर्डर एरिया और इधर एक किला है वो भी इनको घुमाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जी आएंगे फिर मैं इनको भी घुमाऊंगा। आज हयात और जसविंदर भाजी और एक और भाजी है वो आए हैं, तीनों को आज मैं घुमाऊंगा ब्रेमी पूरा, और इंशाल्लाह कल भी सुबह मॉर्निंग में भी इनको मैं एक ट्रिप लगवाऊंगा इधर का, और आज इंशाल्लाह चलेंगे हम घूमने। थैंक यू सरबजीत पाजी, ठीक है। और आप मेरे सारे सभी फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक पाजी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इनको अच्छे से अच्छे कमेंट दीजिए। थैंक यू और पंजाब में और सारे ऑल वर्ल्ड में फेमस कीजिए। थैंक यू जी गाइस, ये देखिए जो मिस्त्री है उसने यहाँ पे मार्बल लगाने की जगह टाइल्स लगा दी है, जो बंदे अच्छे से गिर पाए हैं इसलिए। देख सकते हो ये जो लाइट चल रही है ये अल एन की है, अल एन ये यूनाइटेड एमिरेट्स में पड़ता है, ठीक है। तो ये बॉर्डर के उस पार की है, अपने आसमान को देख सकते हैं जो कि लोग मोस्टली नहीं देख पाते अपने घरों से निकलते हुए। ये देखिए खुला आसमान, खुला ग्राउंड है, जहाँ मर्जी आप बिस्तर में आके सो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लुल्लू यहाँ पे हाइपर मार्केट में पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड है, इंडिया से आप बांग्लादेश से? बांग्लादेश के हैं, तो आपको ये बताएंगे यहाँ के बारे में, ये बात करते हैं इनसे। और मेरा नाम तो अनवर है, अनवर हुसैन, हमारा डिस्ट्रिक्ट ढाका कुरला। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं ब्रेमी देखने आते हैं तो मतलब इंजर तो अच्छा से करके जा रहे हैं इधर से, और लुने में आता है घूमने के लिए प्रोजेस करके फिर जा रहे हैं लोग, फिर आता है दुबई से इधर रख के जाता है प्रोजेस करके फिर जाएगा, फिर मस्कट जाता है कोई कोई, ठीक है। इधर से इंजॉय ज़्यादा करते हैं सब लोग। ओके ओके, तो यहाँ पे वाटर कितनी दूर है यहाँ से अगर सीधा जाए? इधर से एलन इधर से करीब है, बहुत करीब है। ओके, इसके मतलब मॉल की बैक साइड है तो कम से कम 2-3 किलोमीटर है। हाँ, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर तक पड़ेगा। ओके, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, सब बढ़िया है ना। चलो ठीक है, आप मेरे गाइस को बोल दीजिए कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके दे दो, फॉलो भी करो। थैंक यू भाई। आपको चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम है एम ए प्योर सोल, एम प्योर सोल, एम प्योर सोल। ओके, थैंक यू भाई जी। In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice disguised, telling me we're not alright. See no evil, light in our world. Hear no, see no evil. You're always on my mind, on my mind. बॉलिंग करते हैं, मैंने बॉलिंग करने जा रहा हूँ आज, पहली बार मैं बॉलिंग करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, हमने बॉलिंग का टिकट लिया है, देखते हैं कैसा फील होता है। रेडी पुलिस वाले होंगे? हाँ, नहीं है ना।
गाइस तो ये वाला दुबई का बॉर्डर है, ठीक है, उस साइड दुबई है और ये इस साइड ओमान है। तो आप देख सकते हो ये बैरियर लगा हुआ है। हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं दुबई के बॉर्डर पे, ठीक है। अभी हम ओमान में खड़े हैं और ये जो बैरियर लगा हुआ है, ये जो ग्रिलिंग लगी हुई है, ये उसके पार, ग्रिलिंग के पार दुबई है। तो आप जैसे देख सकते हो, ठीक है, हम यहाँ पे बरेमी में घूम रहे हैं, ठीक है। सुबह पहले फ्रेंड के रूम में थे, उसके बाद खाना खुना खाने के बाद मॉल में गए, फिर आपको मॉल में दिखाया, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं बॉर्डर में। तो आप देख सकते हो ये पूरा ग्रिलिंग हो रखा है, ये पूरा दुबई का ग्रिलिंग है। उस साइड आप देख सकते हो दुबई के घर हैं, ठीक है। अभी हम ओमान में खड़े हैं और ये ग्रिल के पास उस पार दुबई है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, दुबई का बॉर्डर है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे एंट्रस होती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे गाड़ियाँ एंटर होती हैं और उस साइड जाती हैं, ठीक है। ये जो नेस्टो है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो वाला वो नेस्टो दुबई में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे हम ओमान में खड़े हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी आप भी देख सकते हो। हेलो गाइस, हम यहाँ पे पहुँच गए अभी कॉफ़ी शॉप पे, ठीक है। हमारा फ्रेंड था, उसकी आज ड्यूटी थी तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाया, तो उसने अपने फ्रेंड को भेजा हमें थोड़ा घुमाने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, देख सकते हो क्रोसेंट हो। और कुछ खाना, हालिम वालिम कुछ खाना, चाय पी के हम वापस आएंगे, ठीक है। फिर रूम में खाना खुना खा के फिर वापसी की बस पकड़ेंगे, वापस जाएंगे अभी। हेलो गाइस, तो हमारा फ्रेंड हमें पार्क में लेके आया, यहाँ पे बरेमी में एक बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पानी का चला हुआ है, फुहारा चला हुआ है, ऊपर है फुहारा, मेरे ख्याल से इस टाइम तो बंद हो रखा है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, ये जो स्टेडियम की बात कर रहा था ना मैं, उसके स्टेडियम के पास ही है। तो ये पार्क है, बच्चों के खेलने की है जगह। यहाँ पर मस्जिद अंदर बना है, फिर पार्क काफ़ी खुला है। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी रास्ते में, हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, वो कह रहे थे अपने कार्ड वगैरह चेक करवाओ, तो हमने कार्ड कूड चेक करवाए। उसके बाद जो ड्राइवर है, जो हमारा फ्रेंड जो हमें घुमा रहा है, उसको कार्ड लेके उन्होंने बोला कि हाँ आप चेक करवाओ कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर हमने सारा बताया, फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। अभी हम यहाँ पर पार्क में देख रहे हैं, उसके बाद देखने के बाद हम वापस आ रहे हैं, फिर बाकी आपको वहाँ पे मिलते हैं वापिस जाने के बाद। हाथ भी लग सकता। हेलो गाइस, हाउ आर यू। हम यहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे हैं। फ्रेंड के घर में रुके थे तो अभी निकल आए हैं, अभी बस है हमारी 1:30 बजे का, बस यहाँ से निकलेगी और नियर 5:30 बजे हम मस्कट में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे बहुत मज़ा आया, मौसम बहुत सुहावना है, ठंडी हवा चल रही है और आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, बैठे हैं बस स्टॉप पे, बस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बस स्टॉप है मुआसा लैब का, अभी 10-15 मिनट के बाद बस आ जाएगी यहाँ पर। तो बाकी हम मिलते हैं बस में भी थोड़ा लाइव होने की कोशिश करेंगे। ओके बाय गाइस, थैंक यू। हाँ, क्या हुआ था अंकल के साथ? अंकल की बेल मर गई यार। क्या हुआ? मैं रोने लग गया हमें देख के। क्यों? कहता है हम यहाँ पे जो तारों में बॉल्स फंसी हैं, इन सबको निकालना है, एक बॉल का 100 पैसा मिलेगा। फाइनली हम यहाँ पे मस्कट में पहुँच गए हैं, रसेला राउंड अबाउट पे।
भूल गया था। हेलो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए मस्कट में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ट्रिप फिनिश होता है, ठीक है। बाकी रूम में जाके मैं आपको सारा बताता हूँ इसका कितना सारा खर्चा आया, क्या एक्सपेंसेस थे और कितना टाइम लगता है और कैसे आप मतलब पूरा ब्रेमी घूम सकते हो आप, ठीक है गाइस। चलो फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, सब कैसे हो, ठीक हो। तो हम मस्कट से ब्रेमी की जो ट्रिप किया था उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। और मस्कट से ब्रेमी का 4 घंटे का रास्ता है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट आती है पर पर्सन 25 रियाल, 25 रियाल पर पर्सन कॉस्ट आएगी आपकी। उसमें आपका बस फेयर, आने का, जाने का और वहाँ पे घूमने का, रहने का और खाने का, ये टोटल आपका 25 रियाल के समथिंग आपका खर्चा आ सकता है, ठीक है। और हम बस में गए थे और बस में ही आए थे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने वहाँ पे कैसा कैसे एक्सपीरियंस देखे, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वहाँ पे हमने मतलब जो यूएई का बॉर्डर देखा, ठीक है, बॉर्डर के हमने मतलब बहुत सारे बैरियर के देखे, काफ़ी लंबा वहाँ से चलते रहे, ठीक है। और फिर हमने वहाँ पे मतलब पार्क में गए, एक वहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है, पार्क में भी गए। फिर वहाँ पे सिटी को भी पूरा हमने मतलब अच्छे से देखा, बहुत अच्छी बनी हुई सिटी, ठीक है। वहाँ का मौसम तो बहुत ही ठंडा था, बहुत अच्छा मौसम था, ठीक है। और वहाँ पे पहाड़ थे बहुत सारे, तो पहाड़ों को भी देखा हमने, ठीक है। मौसम थोड़ा बादल हो रखे थे, शाम को बादल हो गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे घूमने का तो बहुत ही मज़ा आया हमें, ठीक है। और आप लोग भी मतलब जा सकते हो, ठीक है। आपको मेरी ये वीडियो आप बहुत हेल्प करेगी अगर आप मस्कट से ब्रेमी जाते हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये हमारी फुल वीडियो थी, ठीक है। और आप ये मेरी वीडियो देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो कभी भी मस्कट से ब्रेमी जाएँ और उनको हेल्प हो सके। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।